आदाब, मैं एम रहमान आज मौजूद हूँ नागपुर में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बोल इंडिया को बधाई देता हूँ कि मध्य प्रदेश के 28 बाई इलेक्शन और बिहार का जो चुनाव शुरू है उस सिलसिले में सबसे खुशी की बात यह है कि देश में मोदी की सरकार ये जुमलेबाज सरकार है। बीजेपी आरएसएस के लोगों को छोड़ दिए तो देश का तमाम समाज, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वो मोदी के सरकार से बहुत परेशान है। जब से मोदी जी 2014 में सत्ता पर आए, दूसरी टर्म उनकी चल रही है, तब से जुमलों को देश के लोगों के मुंह पर फेंकने का काम इन्होंने किया। ये वास्तविकता यह है कि लोगों के भलाई का काम इन्होंने बहुत कम किया। किसान विरोधी 3 कानून उन्होंने पास किए लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, जबकि देश का किसान उसका विरोध कर रहा है। केवल अपने चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाती है उससे चंद कुछ इर्द गिर्द के लोगों का भला हो, कॉरपोरेट घराने का भला हो, पूंजीपतियों का भला हो, यही कोशिश मोदी जी की सरकार कर रही है। और दूसरी एक बात ऐसी है, अब जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है, इतने सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार को मैं अच्छा राजनीतिक विद्वान आदमी समझता था, लेकिन वो भी अवसरवादी हो गए, कभी बीजेपी के साथ में, कभी बीजेपी के बाहर जाकर फिर बीजेपी के साथ में, ये आना जाना उनका चलता रहा है। तो बिहार की जनता भी बहुत परेशान है। हम बिहार के रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे कार्यकर्ता गए ग्रामीण इलाकों में, घूमे शहरों में, कुछ काम हुए हैं, लेकिन बिहार का ग्रामीण इलाका जो है आज भी जस का तस है। गांव में स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, बिजली आती है तो जाती है, गई तो फिर वापस आने का इंतज़ार करना पड़ता है। महिला सुरक्षित नहीं बिहार की। बिहार के एक हॉस्टल में हॉस्टल के बच्चियों के साथ में जिस प्रकार से घृणास्पद काम किया गया वो नीतीश कुमार जी के राज में किया गया। और ऐसे हालात में ये जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है, एक आशा की किरण बिहार के लोगों को दिखने लगी है। एक नया नेतृत्व है, ओजस्वी तेजस्वी नेतृत्व है, नाम ही तेजस्वी है उनका, और ग्राउंड टू अर्थ लोगों से जुड़ा हुआ ये आरजेडी और महागठबंधन है। और इसीलिए बिहार के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है, नई आशा की किरण तेजस्वी के रूप में देख रहे हैं। पहला चरण संपन्न हुआ, आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, 7 तारीख को अंतिम पड़ाव विधानसभा चुनाव का रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के बीजेपी के राज में जिस प्रकार से अन्य अत्याचारों को झेला है, जिस प्रकार से बिहार की दुर्गति हुई है, जहाँ नौकरी और रोजगार उपलब्ध न होने के कारण बिहार के लोगों को कभी महाराष्ट्र में आना पड़ता, बम्बई में आना पड़ता, बिहार के बाहर के शहरों में जाना पड़ता है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 10 लाख
नौकरियां और रोजगार उपलब्ध, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है रोजगार, हाथों को काम, सम्मान की रोटी बिहार के लोगों को मिले। किसानों का मसला है, दलितों का मसला है, महादलितों का मसला है, अल्पसंख्यक समुदाय का मसला है और बहुजन समाज का भी मसला है। इन सभी समाज समुदायों को इंसाफ दिलाने का काम, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, ऐसी उम्मीद तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की जनता देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि आपके आपका तेजस्वी या महागठबंधन को समर्थन है, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो सबसे पहला काम आप क्या चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार करे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन सरकार बनी है, हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने उनको समर्थन दिया है और काम भी कर रहे हैं, प्रचार का काम कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी हमारी यूनिट है अपनी ताकत के मुताबिक हम प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार में किसानों की खस्ता हालत दुरुस्त करने के लिए पहला अवसर, पहला काम तेजस्वी की सरकार ने करना चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है हमारे नौजवान लोग जो बिहार के हैं, उद्योग नहीं, धंधा नहीं, व्यवसाय नहीं, कारखाने नहीं, इसलिए बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बम्बई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं या दूसरे दिल्ली में जाते हैं। तो बिहार के लोगों का रोजगार के लिए जो पलायन हो रहा है उसको रोकना और उसके लिए नौकरियां नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को। अब बिहार एजुकेशन के मामले में एक नाम रखता है, IPS हो, IAS हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, देश के लगभग सभी सरकारों में बिहार के अधिकारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, इतना सब होने के बावजूद भी बिहार के लोगों को रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है और इसीलिए मैं अभिनंदन करता हूँ तेजस्वी के नेतृत्व को कि उन्होंने किसानों के साथ साथ बिहार के नौजवानों को नौकरियाँ और रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। ये तो अहम मसले हैं और साथ साथ जो प्रदेश में अनाचार दुराचार जो बढ़ा हुआ है, अन्य अत्याचार बढ़ा हुआ है, उसको रोक लगाना और उनकी हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कठोरता से नियंत्रित करना, ये निश्चित बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी सरकार पर रहेगी। जैसा कि बिहार के लोग काफ़ी तादाद में महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर मुंबई में हैं, रिपब्लिकन का प्रभाव भी महाराष्ट्र में अधिक है। पिछले दिनों बिहार के लोगों के साथ जो मारपीट और उनके साथ जो जुल्म किए गए थे, उस समय आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाए? देखिए, महाराष्ट्र में इसे परप्रांतीय कहते हैं, बिहार के लोग, यूपी के लोग, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ में जो मारपीट की गई, अन्याय अत्याचार किया गया, तो जहाँ जहाँ संभव हुआ हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के भीम सैनिकों ने उनको सुरक्षा देने का काम किया, चाहे कल्याण हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे थाना हो, नासिक हो, सभी तरफ। नासिक में तो बिहार के मजदूर लोग, कारखाने में काम करने वाले मजदूर लोग काम छोड़ के डर के हमारे जा रहे थे, तो हमने हमारे नासिक के हमारे यूनिट ने उनको जाके हाथ जोड़ा कि आप जाइए मत, हम आपके साथ में हैं, उनको रोका, स्टेशन से वापस उनको फिर नासिक में लेकर गए, उनकी हिफाजत का काम किया। हम ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, जो मेहनत की रोटी हमारा गरीब आदमी कमाता है उसको इज्जत के साथ खाने का तो अधिकार मिले। इसके लिए हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बिहार के लोगों पर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश की गई उसको रोकने का काम किया और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने का काम किया। ये काम हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने थाना, मुंबई और नासिक में किया। बिहार में तो आपने समर्थन दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ आपकी क्या स्थिति? देखिए, यहाँ पर भी हमारे कमलनाथ जी है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी है वहाँ के नेता, हम इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे चुके, प्रचार में भी गया था उस विधानसभा के चुनाव में, और इसी तरह से जिस तरह से बिहार के चुनाव में हमने
तेजस्वी यादव के महागठबंधन की सरकार का समर्थन किया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन हमारे पार्टी ने किया। हमारे कार्यकर्ता पूरे जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ वहाँ हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ में प्रचार में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार बीजेपी ने कमलनाथ जी की सरकार को तोड़कर घुसपैठ करके सत्ता हासिल की, लेकिन आने वाले इस जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से कांग्रेस यशस्वी होगी, कांग्रेस को सफलता मिलेगी और निश्चित फिर से कांग्रेस की सरकार चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार फिर मध्य प्रदेश में आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थोड़े जी, जैसा कि आपने बात किया भीमसेन की, दलितों की, ऐसा क्यों अनेक एक क्यों नहीं, इतने सारे गठबंधन हैं, इतने सारे अलग अलग मोर्चे, अलग अलग अपने नाम सिंबल देके भीमसेन के नाम से इतने सारे मंडल, एक क्यों नहीं, एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं? ये केवल रिपब्लिकन पार्टी के ही लिए लागू नहीं होता कि रिपब्लिकन पार्टी में एकता क्यों नहीं है। कांग्रेस भी कई घरों में बढ़ चुकी है, जनता दल भी कई घरों में बढ़ चुका है, अरे कैसी एक भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी गठबंधन नहीं है कि जिसपे फूट ना हो। हमारी कोशिश हमें ये रही है कि इस देश के सर्वहारा समाज, गरीब समाज, मजदूर लोग जो है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग है, बहुजन समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको साथ में लेकर चलने का हमारा प्रयास हमेशा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से ये रिपब्लिकन पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है ना, उसका नाम ही रिपब्लिकन है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संकल्पना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसी को लेकर पीपल्स रिपब्लिक पार्टी काम कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में ये रिपब्लिकन पार्टी जो अलग अलग घरों में बटी हुई है वो एकता बनेगी और निश्चित रूप से एक अच्छा राजनीतिक समीकरण रिपब्लिकन आंदोलन का होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।